2000 के नोट बंद होने जा रहे हैं, लेकिन बालासोर हादसे के पीड़ित परिवारों को मुआवजे में यही 2000 रुपए के नोट दिए गए। ये बड़ी ब्रेकिंग इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। और खबर ये है कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार जो कि 2000 रुपए के नोटों के साथ मुआवजा दे रही है, इस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता ने इसका वीडियो जारी किया है। 2000 के नोट पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। बालासोर हादसे के पीड़ितों को 2000 रुपए का मुआवजा, 2000 रुपए के नोटों में मुआवजा दिया गया। बीजेपी ने कहा यह भ्रष्टाचार का नया तरीका है। पीड़ितों को 2-2 लाख का मुआवजा दे रही है ममता सरकार, और वो भी 2-2 हजार रुपए के नोटों में। बीजेपी का आरोप यह है कि यह सब कुछ 2000 के नोट किनारे लगाने के लिए किया जा रहा है। बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि ये आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी लगातार पीड़ितों से मिलती रही, लेकिन मुआवजा जब दिया गया तो उस मुआवजे में वो 2-2 हजार रुपए के नोट जो कि अब से कुछ दिनों बाद बंद हो जाएंगे, ममता बनर्जी ने वो नोट दिए। अब जरा सोचिए 2-2 लाख रुपए की राशि 2000 के नोटों में, आखिर लोग कैसे इस पर आने वाले वक्त में कदम उठाते हैं, रिएक्शन देते, देखने वाली बात है।